ओके, टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी एज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के समय में क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। द सेंट्रल बैंक इंक्रीज SLR, उस सिचुएशन में क्या करेगा, सेंट्रल बैंक जो है वो SLR को बढ़ा देगा। अकॉर्डिंगली फंड अवेलेबल फॉर CRR डिपॉजिट, इससे क्या होगा कि CRR से फंड जो है उपलब्ध हो जाएंगे। फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, किसके लिए, क्रेडिट के क्रिएशन के लिए, आर रिड्यूस्ड। कन्वर्सली SLR इज रिड्यूस्ड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, SLR को कम करेंगे किस लिए, कब करेंगे, रिड्यूस इन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई को कम करेंगे, जिससे कि क्या होगा, डिफ्लेशन हो जाएगा, ड्यूरिंग डिफ्लेशन टाइम पे इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी है, SLR जो कैश के रूप में जो कॉमर्शियल बैंक्स रखता है वो फिक्स्ड किया जाता है RBI के थ्रू। जब RBI के थ्रू SLR फिक्स किया जाता है, तो उसका यूटिलाइज जो है कॉमर्शियल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्फ्लेशन के टाइम पे SLR का क्या इम्पोर्टेंस हो जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे SLR का क्या इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो उसके थ्रू जब बैंक के थ्रू SLR को इंक्रीज़ किया जाएगा तो फंड्स अवेलेबल होंगे, मतलब जो कैश SLR इंक्रीज़ करने का मतलब है कि लोगों का पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के पास रहना। जैसे आपसे मिनिमम जो बैलेंस की बात की जाती है, अभी आप कुछ समय पहले आया था कि शहरी क्षेत्रों में जो है कम से कम 3,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो वो पैसा क्या होता है, वही SLR का पार्ट होता है जो लोगों का पैसा होता है। तो वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते रहते हैं, जिससे कि हमारा इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बना रहे। ओके, सो द राइज इन SLR, जब SLR बढ़ता है तो क्या होता है, राइज इन लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाई द कॉमर्शियल बैंक विद देम सेल्फ। तो कॉमर्शियल बैंक जो है अपने पास जो है उसको एसेट्स के रूप में रखेगा, लिक्विड होता है मतलब, लिक्विड का मतलब होता है कैश के रूप में रखेगा। फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर CRR डिपॉजिट विद द RBI, तो उससे क्या होगा, जो CRR है उसका जो है अवेलेबिलिटी फंड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, RBI के पास कम हो जाएगा। फॉल इन द मनी सप्लाई ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, और उससे क्या होगा, मनी का सप्लाई जो है वो कॉमर्शियल बैंक के पास कम होगा और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉल इन SLR, फॉल इन लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक विथ देम सेल्फ, जो लिक्विड होगा कॉमर्शियल बैंक का वो किसके पास रहेगा, कॉमर्शियल बैंक अपने पास स्वयं रखता है। फिर राइज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फॉर CRR डिपॉजिट विद द RBI, अब वो अवेलेबिलिटी जो फंड का जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, RBI के पास जो डिपॉजिट है वो चला जाएगा। राइज इन मनी सप्लाई ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, डिफ्लेशन इज कंट्रोल, अब इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो है कमर्शियल बैंक का वो बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में पॉइंट में समझने वाली बात है कि SLR को बढ़ाने से क्या होगा, SLR बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो RBI के पास जाएगा, जिससे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और SLR फॉल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास होगा, जिससे कि हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। हमने पूरा डिस्कस किया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, SLR, CRR और ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कैसे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोस इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन सेलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी।